तो आप देखिए वीडियो, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ पहले देखने को मिला था कि आपके बातों को शायद कुछ खिलाड़ी गहन कर नहीं रहे हैं और अपने अंदर उस आचरण को ढाल नहीं रहे हैं। यही खेल दिखाया था बोलेवा रसूल को, पहला रेल मयूआरी की तरफ से दौलताबाद के खाते में। दौलताबाद जो कि गरीबी टीम है और मयूआरी जो कि होम ग्राउंड की टीम है, तो मेजबान और मेहमान की लड़ाई चल रही है। बड़े भैया, मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी और साथी कमेंटेटर बड़े भैया के मुखारविंद से आवाज दर्शक बंधुओं को सुनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर जेकी जी। आई एक बार फिर लिए चलता हूँ खेल के मैदान में, मेहमान टीम और मेजबान टीम के पीछे मुकाबला चलता हुआ, दौलताबाद वर्सेज महुआरी के पीछे मुकाबला चलता हुआ। इस मैच में बहुत तालियां बजेगी क्योंकि एक टीम बहुत जबरदस्त जो कि डिफेंस में है और मनीष गांधी कर बैठे और दौलताबाद का दिल का दाग धुल गया, दौलताबाद का खाता खुल गया। एक एक का स्कोर रीड देता हुआ आठ नंबर की तरफ खिलाड़ी महुआरी का। एक तरफ है मेहमान टीम तो एक तरफ है मेजबान टीम। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, लमसम 2500 के आसपास दर्शक अब तक इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं। दूर दराज से आए हुए दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और ये देखिए कामयाबी, एक का स्कोर, क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला आपके बीच चलता हुआ। क्या शानदार टूर्नामेंट महुआरी के सरजमी पे, और इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडल दल बधाई के पात्र हैं जो कि अपनी जवानी को निचोड़ दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। बधाई के पात्र हैं आयोजक मंडल दल। और एक बार फिर करीरा एक दो का स्कोर है रीड लेता हुआ महुआरी करीरा। और एक बार फिर टैकल कर लिए गए उसी अंदाज में बड़ी दानिश को, देता हुआ एक नंबर की का खिलाड़ी दौलताबाद का महुआरी के कोर्ट में। इस मैच के बाद मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होगा। और देता हुआ एक नंबर की का खिलाड़ी, और मैं देख रहा हूं राहुल जी बहुत बिल्कुल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए चहलकदमी कर रहे हैं और हर तरफ निगाहें दौड़ा रहे हैं। बाकी ऋण देता हुआ महुआरी का लीडर प्रयास करता हुआ बहुत फुर्तीला लीडर, देखना है क्या कर पाते हैं। और इस तरह से खाली हाथ वापस डू एंड डाई करा चाहे मारा, डू एंड डाई करो या मरो इस मैच को। अरे भैया उठा के झरने लगे वालों, शानदार क्वार्टर फाइनल में आखिरी मुकाबला चलता हुआ। दो तीन का स्कोर रीड देता हुआ महुआरी का लीडर, ये है मिस्टर मनीष एंड कंपनी महुआरी। रीड देते हुए खाली हाथ वापस, दौलताबाद का लीडर रीड देता हुआ महुआरी के कोर्ट में प्रयास करता हुआ अंकी की तलाश में, कबच कबच की सलाह लगाता हुआ। और इस तरह से खाली हाथ वाला डू एंड डाई करो या मरो मिस्टर मनीष एंड कंपनी महुआरी रीड देते हुए। ये है बीएसएनएल का झटका, दोनों टीमों का स्कोर तीन पे लटका। रीड देता हुआ दौलताबाद का लीडर प्रयास करता हुआ आगे की तलाश में, प्रयास करता हुआ। अरे बाप रे बाप, और इस तरह से काम है तीन पांच होता हुआ। भैया भोजपुरी में कहते हैं लोग भूल कर यहाँ तीन पांच मत कर यहाँ, और यहाँ तीन पांच होता हुआ दोनों टीमों के बीच। तीन पांच का स्कोर देख देता हुआ महुआरी गाड़ी का आठ नंबर की क्या खिलाड़ी बहुत फुर्तीला चंचल निगाहें फुर्तीले कदम अंक की तलाश में। दौलताबाद का लीडर महुआरी की कोर्ट में रीड देता हुआ वफा
जफा को मैं जफा लिखो, जफा को मैं वफा लिखो, सुलगती धूप में किरणों को सावन की घटा लिखो, मेरी मजबूरियों को लोग चमचा नाम देते हैं, पता इस दौर में मैं ये नहीं लिखो तो क्या लिखो। तीन नंबर की क्या खिलाड़ी रीत देता हुआ प्रयास करता हुआ आगे के तलाश में। हेलो मिल जाएंगे पवारी बाबा मोहलारी के, तो मैं चाहूंगा कि जो टीम विजयी होगी इस मैच में वो उससे कप्तान महोदय ही रुके रहेंगे, और जो टीमें आगे जा चुकी हैं सुपर इंडिया बहादुर मैच मर्दा और रिक्वायरमेंट तीनों टीम अपने टीम को वापस कर ले, और तीनों टीम के कप्तान महोदय इस मैच के अंत में आप कमेटी बॉक्स में तीनों टीम के कप्तान महोदय सुपर इंडिया बहादुर मैच मर्दा रिक्वायरमेंट और जो टीम जीती रहेगी उसके कप्तान महोदय ही रुके रहेंगे। तो चलिए जो तीनों टीमें हैं रिक्वायरमेंट मर्दा सुपर आ जाएगी, दो एंट्री करो या मरो, तीन पांच का इसको री देता हुआ शेष समय पांच मिनट, आठ नंबर की क्या खिलाड़ी री देता हुआ मोबाइल का जलताबाद के दौड़ में, और मैं चाहूंगा टीम कैप्टन चलता हुआ मैं चाहूंगा टीम कैप्टन दो एंट्री करा चाहे मारा, दो एंट्री करा चाहे मारा, लाइनमैन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे भाई दोनों तरफ के लाइन में इंतजार कर लीजिए तीनों टीमें पसंद हो जैसे ही आएंगे तो जो सेमीफाइनल मुकाबले लड़वाने हैं उससे हम लोग प्रेरित करेंगे। टीम कैप्टन टीम कैप्टन सुपर इंडिया बहादुरगंज, टीम कैप्टन मर्दा, दो तीनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, और अगर मौजूद है तो आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए आ जाइए भैया, सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा कुछ ही क्षण में। खरीद लेते हुए दौलताबाद के रीडर पंकी की तलाश में प्रयास करते हुए, और इस तरह से एक कदम पीछे है मोहारी की टीम, एक तरफ है मेहमान टीम तो दूसरी तरफ है मेजबान टीम, मेहमान टीम है दौलताबाद में जबान टीम महुआरी रेख देता हुआ महुआरी का लीडर प्रयास करता हुआ दौलताबाद के लीडर रेख देते हुए भैया तीन लोग आ गए और दौलताबाद के आठवें नंबर के खिलाड़ी हैं, भैया चार पर्ची है जिसमें तीन टीम का नाम है और एक अननोन है, जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी, किसी छोटे बच्चे के द्वारा मैं दो पर्ची को चूज कराऊंगा। एक मिनट के लिए आ जाओ, हाँ आ जाओ, सेमीफाइनल मुकाबले का प्रोसेस चल रहा है, चार पेपर से जिसमें तीन टीम सेमीफाइनलिस्ट है उनका नाम है और एक अननोन है, कोई दो पर्ची में बालक उठाएगा वो पहला सेमीफाइनल मैच हो जाएगा, चार पर्ची है दो पर्ची वाली उठाकर मुझे देना है आपने, अभी उठाकर के मुझे दे दो, अभी अनाउंस कर देता हूँ मैं कौन से पहला से फाइनल आ चुका है हमारे सामने बहादुरगंज मुकाबले के लिए, और इनके सामने जो टीम होगी वो टीम होगी मर्दा, पहला सेमीफाइनल भैया आ चुका है बहादुरगंज बनाम मर्दा, जो नहीं करो या मरो दोनों टीमों का स्कोर लेवल ये है मिस्टर दानिश एंड कंपनी दा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने टीम के साथ वापस हो जाए, पहला सेमीफाइनल मिल चुका है इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में बहादुरगंज बनाम मर्दा, और दूसरा सेमीफाइनल छोड़ा रिक्वायरमेंट बनाम जो भी टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी इस मैच को जीतेगी। चलिए एक पॉइंट से पीछे है तो हरे बाबा मवारी और समय भी केवल एक मिनट और एक ही हीरो रहेगा, और चाय टकल कितना मजबूत है मवारी का ये बात बखूबी जानते होंगे ये दौलताबाद के रेडर एक नंबर के जैसे में रेड कर रहे हैं पांच खिलाड़ियों के बीच टू गई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा जरूर या तो परिवर्तन आएगा, और समय था
27 सेकंड शेष समय था भैया, तो 27 सेकंड शेष समय, क्या पहला टाई देखने को मिलेगा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इस प्रतियोगिता में? एक और दानिश आ गए हैं रोड पे, क्या अपने टीम को जीत के तरफ अग्रसित करेंगे कि टाई पे ही कुछ मुकाबला को और टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हैं? सुपर इंडिया बहादुर रोड और मर्दा को क्या कुछ और टाइम देना चाहते हैं मिस्टर दानिश? पहला टाई देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर फाइनल दिखाना होगा दोनों टीमों को। अब तो आने वाला समय बताएगा, चलिए बात लाइन पे बोनस का प्रोसेस चलता है इस मैच में। अजय देखते हैं क्या खाता खोलेंगे अपने टीम का। अजय तीन नंबर की जर्सी में, और देखिए यहाँ पे बोनस का अटेम्प्ट आया है शायद पुनः एक बार बोनस को पूरे तरफ से क्लियर किया और अपने पाले। नरेश है दो नंबर के रेडर महारानी से, देखिए कौन सी टीम पलक झपकते ही मैच में अपना कब्जा जमा बैठा नहीं जाए थी बैठे फारू दूसरे रोग और यहाँ पे ग्रेट पॉइंट और पावता आपके खाते देखते हैं क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए। बहुत ही हार खिलाड़ी है अपने टीम का, और देखिए बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद चलता हुआ मनीष और दलता बात की बीच और पकड़िए मनीष धीरे धीरे राहुल चलोगे 99। देखिए यहाँ पे एक संदीप है, एक पॉइंट दिया संदीप को, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई पास रेडर भी आना चाहिए उसमें कोई समझौता नहीं, एक रेडर दो बार नहीं जा सकता है। और यहाँ पे अभी भी जद्दोजहद चलता हुआ एक पॉइंट और लगा होगा इस मुकाबले से रेडर, और अंदर में आखिरी में अभी भी कुछ कला दिखाने के लिए बेताब है महुआ है मोनू। चलिए ठीक है ग्राउंड में हो मोनू, मोनू आखिरी रेडर होंगे और दौड़ता बात दूसरा सेमीफाइनल खेल कर तैयार रहेंगे भैया दौड़ता बात और उनका मुकाबला होगा फिलहाल बहादुरगंज बनाम मर्द। कोई समय नहीं है अभी बाबा महुआ प्रतियोगिता में।